हैदराबाद में एजुकेशन वर्क्स में 17 ग्रेड जी पोस्ट जे इंटरव्यू जा नतीजा जारी न करण खिलाफ उम्मीदवारन एहतजाजी मुजाहरो कयो। 600 कैंडिडेट्स अपीयर थिया एग्जाम में, उनका पो उनन जा इंटरव्यूज थिया, उनका पो उनन जा जेके रिजल्ट्स न था अचन। नौजवान बारन उनन के जिंदगी गुजारण लाए को रोजगार हुंदो, वो असा चाहूँ था तो भाई असा जा जेके नौजवान तबको जो को करप्शन में आ या खुदकशियों थी थन, ये रीजन्स हैं असा जा इदारा उन में मुलविस थी वन। हमारे लड़के ग्रेजुएट इंजीनियर्स जो हैं एग्जाम सिंध प्रोफेसर कमीशन के एग्जाम में अपेयर हुए थे, जिनको अब 2 साल का अरसा गुजर गया है और हम कई मुतद्दिद बार इनको दरखास्तें भी दे चुके हैं और इनसे सिंध प्रोफेसर कमीशन के चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब से मुलाकात भी कर चुके हैं। मैं सिंध एसोसिएशन ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर्स की तरफ से पेश होकर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके लड़कों की बेचैनी खत्म की जाए। असा इम्तिहान मार्च 2019 में डिसंबर में असा इंटरव्यू थे, साल थी पूरा रिजल्ट न तो अचे, अस 2 महीना थी असान टेस्ट के, उनका अलावा 6 महीने में रिजल्ट अनाउंस थे, 1.5 महीनों असो इंटरव्यू हलो, इंटरव्यू का केस हो को केस अस हणी थणी कर सहज वन के थ्रू अस केस विथड्रॉ कराया, बट उन केस का भी इन तो 2 दिन में रिजल्ट इंदो, लेकिन उन 2 महीनों के वही 1.5 महीनों थी, बट रिजल्ट इन डिक्लेयर ना कर। एसपीएससी के चेयरमैन या कंट्रोलर से मुलाकात क्यों तब वो डेली माना अस टोपी ड्रामो कराए वेठा, अज रिजल्ट इंदी सुबह रिजल्ट इंदी, हालांकि मसलो यो आ जो जितनी रिजल्ट लेट से आंदी उतनी रिजल्ट की क्रेडिबिलिटी करंदी। कैमरामैन शाहिदन सागर, फेरोज बबर, सिंध टीवी न्यूज़, हैदराबाद।